नमस्कार मित्रों, आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए इमली के औषधीय गुणों से संबंधित कुछ जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, इमली के बीज दूध में कुछ देर पकाकर उसका छिलका उतारकर सफेद गिरी को बारीक पीस लें और घी में भून लें। इसके बाद समान मात्रा में मिश्री मिलाकर रख लें। इसे प्रातः एवं शाम को 5-5 ग्राम दूध के साथ सेवन करने से वीर्य पुष्ट हो जाता है, बल और स्तंभन शक्ति बढ़ती है तथा स्वप्रमेह नष्ट हो जाता है। मित्रों, नशा समाप्त करने के लिए पकी इमली का गूदा जल में भिगोकर मथ कर और छान कर उसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर पिलाना चाहिए। इससे शराब एवं भांग का नशा उतर जाता है। मित्रों, इमली के गूदे का पानी पीने से वमन, पीलिया, प्लेग, गर्मी के ज्वर में भी लाभ होता है। मित्रों, हृदय की दाहकता या जलन को शांत करने के लिए पकी हुई इमली के रस यानी गूदे मिले जल में मिश्री मिलाकर पिलानी चाहिए। मित्रों, यदि किसी को लू लग गई है तो पकी हुई इमली के गूदे को हाथ और पैरों के तलवों पर मलने से लू का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि इस गूदे का गाढ़ा घोल बालों से रहित सिर पर लगा दें तो लू के प्रभाव से उत्पन्न बेहोशी दूर हो जाती है। मित्रों, इमली की ताजा पत्तियां उबालकर मोच या टूटे अंग को उसी उबले पानी में सेंकें या धीरे धीरे उस स्थान को उंगलियों से हिलाएं ताकि एक जगह जमा हुआ रक्त फैल जाए। मित्रों, 10 ग्राम इमली को 1 किलो जल में अधौटा कर अर्थात आधा जलाकर छाने और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर रोगी को गरारे या कुल्ला कराएं तो गले की सूजन में आराम मिलता है। मित्रों, टीबी या छह की खांसी हो तो इमली के बीजों को तवे पर सेक कर ऊपर से छिलके निकालकर कपड़े से छान कर चूर्ण रख लें। इसे 3 ग्राम तक घृत या मधु के साथ दिन में 3 से 4 बार चाटने से शीघ्र ही खांसी का वेग कम होने लगता है, कफ सरलता से निकलने लगता है और रक्त स्राव व पीला कफ गिरना भी समाप्त हो जाता है। मित्रों, पकी इमली का रस मिश्री के साथ पिलाने से हृदय में जलन कम हो जाती है। मित्रों, इमली के बीजों की गिरी पत्थर पर घिसें और इसे गुहेरी पर लगाने से तत्काल ठंडक पहुंचती है। मित्रों, लगभग 30 ग्राम इमली को 1 गिलास पानी में मथ कर पिए तो इससे घाव फोड़े फुंसी में लाभ होगा। मित्रों, उल्टी होने पर पकी इमली को पानी में भिगोएं और इस इमली के रस को पिलाने से उल्टी आनी बंद हो जाती है। मित्रों, नशा उतारने के लिए शीतल जल में इमली को भिगोकर उसका रस निकालकर रोगी को पिलाने से उसका नशा उतर जाएगा। मित्रों, इमली के पत्तों का रस निकालकर रोगी को सेवन कराने से रक्तार्श में लाभ मिलता है। मित्रों, लगभग 500 ग्राम इमली 4 दिन के लिए जल में भिगो दें। उसके बाद इमली के छिलके उतारकर छाया में सुखाकर पीस लें। फिर 500 ग्राम के लगभग मिश्री मिलाकर 1/4 चाय की चम्मच चून दूध के साथ प्रतिदिन 2 बार लगभग 50 दिनों तक लेने से लाभ होता है शीघ्र पतन ठीक हो जाता है। मित्रों, लगभग 50 ग्राम इमली लगभग 500 ग्राम पानी में 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। उसके बाद उसको मथ कर मसल लें। इसे छान कर पी जाने से लू लगना, जी मिचलाना, बेचैनी, दस्त, शरीर में जलन आदि में लाभ होता है तथा शराब व भांग का नशा उतर जाता है। मित्रों, बहुमूत्र या महिलाओं के सोम रोग में इमली का गूदा 5 ग्राम रात को थोड़े जल में भिगो दें। दूसरे दिन प्रातः उसके छिलके निकाल कर दूध के साथ पीस कर और छान कर रोगी को पिला दें। इससे स्त्री और पुरुष दोनों को लाभ होता है। मूत्र धारण की शक्ति क्षीण हो गई हो या मूत्र अधिक बनता हो या मूत्र विकार के कारण शरीर क्षीण होकर हड्डियां निकल आई हों तो इसके प्रयोग से लाभ होता है। मित्रों, यदि किसी के अंडकोशों में जल भर गया है तब लगभग 30 ग्राम इमली की ताजा पत्तियों को गौमूत्र में ओटाएं। एक बार मूत्र जल जाने पर
पुनः गौमूत्र डालकर पकाएं। इसके बाद गरम गरम पत्तियों को निकालकर किसी अंडी या बड़े पत्ते पर रखकर सुहाता सुहाता अंडकोश पर कपड़े की पट्टी और ऊपर से लंगोट कस दें। सारा पानी निकल जाएगा और अंडकोश पूर्ववत मुलायम हो जाएगा। मित्रों, पीलिया या पांडु रोग में इमली के वृक्ष की जली हुई छाल की भस्म 10 ग्राम बकरी के दूध के साथ प्रतिदिन सेवन करने से पांडु रोग ठीक हो जाता है। मित्रों, इमली के वृक्ष की जली हुई छाल की भस्म गाय के घी में मिलाकर लगाने से जलने से पड़े छाले व घाव ठीक हो जाते हैं। मित्रों, 20 ग्राम इमली 100 ग्राम पानी में रात भर के लिए भिगो दें। उसके निथरे हुए जल को छानकर उसमें थोड़ा बूरा मिला दें। 4 से 5 ग्राम इसबगोल की फंकी लेकर ऊपर से इस जल को पीने से लाभ होता है, पित्त ज्वर सही हो जाता है। मित्रों, सर्प बिच्छू आदि के विष में इमली के बीजों को पत्थर पर थोड़े जल के साथ घिस कर रख लें। दंशित स्थान पर चाकू आदि से छेद करके 1 से 2 बीज चिपका दें। वे चिपक कर विष चूसने लगेंगे और जब गिर पड़े तो दूसरा बीज चिपका दें। विष रहने तक बीज बदलते रहें। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।